ये प्रेस वार्ता में हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई वकार जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई मनोज जी और हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन सीनियर लीडर हमारे शर्मा जी और आप सभी हमारे मीडिया के साथियों, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी के दरमियान दो मुद्दों पर आपसे हम बात करने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। एक जो हालात है कश्मीर में, जम्मू में, जो टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी है, बहुत चिंता का विषय है। पूरा देश देख रहा, पर उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है, हमारे जम्मू कश्मीर के जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की है, हमारे विलेज डिफेंस के लोग हैं, उन सब की है। आपने, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि पिछले 78 दिनों में 11 अटैक्स हुए और 2021 से 48 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं जम्मू डिवीजन में। वो आपको मालूम है कि 28 अप्रैल को उधमपुर में हुआ, वहां एक हमारा वीडीजी मारा गया, शहीद हुआ। 4 मई को पूंछ में एक एयरफोर्स ऑफिसर, पूरी डिटेल आपके पास है, पूरे देश के लोगों के पास है। देखिए, ये महान देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जम्मू कश्मीर, जिसमें इतने सारे लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री, डिफेंस के, सिक्योरिटी के, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर और सिविलियन पिलग्रिमेज, जो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वो भी शहीद हुए। पर बड़ी बदकिस्मती की बात है, न तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में कोई ट्वीट किया, अपना दुख व्यक्त किया, न होम मिनिस्टर ने किया, न तो देश के डिफेंस मिनिस्टर ने किया। हमारे नेता और अभी जो हमारे एलओपी है राहुल जी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता की, और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में सरकार नहीं चाहती थी कि वो जम्मू कश्मीर में आए, फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो की बात करने के लिए दूर दूर तक पहुंचे और गए।
को सैल्यूट करता हूं, हमारी पार्टी सैल्यूट करती है, हमारे कार्यकर्ता सैल्यूट करते हैं और उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके प्रति हमारी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हम उनके दर्द में उनके साथ हैं और ये जो भी एरिया में अभी हो रहा है, पुंछ, रजौरी, डोडा, रियासी, उधमपुर, कठुआ, कश्मीर में भी हुआ, कलगांव और बाकी जगह पर, और जो इंफॉर्मेशन और खास करके वो आपके मीडिया के द्वारा भी मिलती रहती है कि पूरा जम्मू में कहीं ना कहीं ये चेकअप चल रहा है, लग रहा है कि आज यहां होगा, कल वहां होगा, कुछ होने वाला है, ऐसी दहशत लोगों में है। हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लीड कर रही थी, उस गवर्नमेंट ने हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी नेता सोनिया जी, उन्होंने नॉर्मल सी आए, पीस रहे, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, विकास हो, उसके बारे में बहुत चिंता की और बहुत अच्छा काम किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो जीत गए, वो अपनी खुद की सरकार उन्होंने बनाई और वो दावे कर रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को डेवलप करेंगे, आगे ले जाएंगे और नॉर्मल सी बहाल करेंगे, सुख शांति लाएंगे। वो कर नहीं सके, ऊपर से धीरे धीरे टेररिज्म बढ़ता रहा और 2019 में उन्होंने जब यूटी बना के ये बताना चाहा कि यूटी बना के एलजी के द्वारा एनफोर्स करके अंडर द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर में वो शांति बहाल करेंगे, नॉर्मल सी बहाल करेंगे और जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। पर हमने देखा कि 2014 के बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई से लेके यहाँ के लोगों के टैक्स स्ट्रक्चर और बाकी चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर आज इन दो मुद्दों पर हम खास बात करना चाहते हैं। वो एक, यहाँ की शांति टूट रही है, डर भय का वातावरण पूरे जम्मू में है और उसको ये गवर्नमेंट जो है वो रोक नहीं पा रही। ड्यूटी बनने के बाद एलजी के पास इतने वाइड पावर्स हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। और वो एलिगेशन करते थे यूपीए सरकार पर कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यूपीए की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, उनके हाथ बंधे हुए थे और इसलिए टेररिज्म को रोक नहीं पा रहे थे, नॉर्मलसी नहीं ला रहे। अभी तो उनके पास 2014 के बाद 2019 में उनका यूटी भी हो गया, पूरी पावर उनके पास आ गई, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद भी बड़े ताज्जुब की बात है कि पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तब शांति थोड़ी बहुत हमने देखी, लेकिन अब क्यों हो रहा? जेन्युइनली ये सरकार चुनाव चाहती है, कराना चाहती है, लोगों को एम्पावर करना चाहती है, जनता को पावर देना चाहती है, तो वो बारे में बड़े डाउट इसलिए पैदा होते हैं दो तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चुनाव तो करना पड़ेगा और हमेशा ये बात प्रस्तावित हुई है बरसों के अनुभव से पूरे दुनिया में कि जब भी पीपल्स गवर्नमेंट आती है, लोगों की, जनता की सरकारें आती है, तब शांति
बहाल होने का चांस ज्यादा रहता है। जब भी मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्स अकेले से करने से उसकी मदद डिक्टेटोरियल स्टेप अगर लेंगे आप, तो मुझे लगता है कितना कर पा रहे हैं ये अनुभव हम सबको हो रहा है। और 2014 से आज की ये जो स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जब चुनाव था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब आ गए। सिक्योरिटी है, उनकी जान बचाना है, बॉर्डर सुरक्षित रखना है, तो अंत में तो ये जनता की लड़ाई है कि हम जनता को बचा पाते हैं कि नहीं। और जिस तरह के अटैक का भय आज पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि पूरी जम्मू और कश्मीर की जनता भी इसमें बड़ी चिंतित हो गई है। तो ये सवाल टेररिस्ट एक्टिविटी से अल्टीमेटली जनता की भलाई का है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी चिंतित है, इसलिए हम इसके बारे में पूरा संकलन करके इसके बारे में हमारी लीडरशिप, हमारे राहुल जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारी स्टेट लीडरशिप इसके बारे में चिंता के साथ सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द ये एक्टिविटी को खत्म करे और खत्म करके शांति बहाल करे और चुनाव के लिए ठीक ठाक परिस्थिति पूरी करे।